नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। गुना से फिर मिलेगा विधायक पन्नालाल शाक्य को टिकट, ये हम नहीं खुद विधायक पन्नालाल शाक्य का कहना है। आज बीजेपी की राजकुमारी बैठक के बाद पन्नालाल शाक्य ने कहा कि गुना में उनके सिवा बीजेपी के पास कोई और उम्मीदवार नहीं है जो उनके सामने टिक पाए, इसलिए उनको ही बीजेपी से फिर इस बार गुना से उम्मीदवार बनाया जाना तय है। आंदोलन चुनाव तो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो है वो लड़ेगा बूथ बूथ पे, मतदान केंद्र पे लड़ेगा। अरे हम रनिंग में है भाई, प्रबल दावेदारी का क्या मतलब, रनिंग में है तो फिर हमारा नंबर तो वैसा ही है, दावेदारी हम अलग से क्या है किताब हम दावेदारी। अरे क्या हमें गिनो जी, हमें गिनो में हमें गिनो जी, हमें कौन सी योजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आप लड़ेंगे चुनाव स्तरीय माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजना है, अपन जो नगर में ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है और कुछ अपन जिस दिन हार जाएंगे या मार के पड़े हुए बैठेंगे तब फिर कोई और आ गया है। यातायात पुलिस की कार्रवाई में आज हाट रोड का अतिक्रमण साफ किया गया। हाट रोड पर विगत कई वर्षों से दुकानदारों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ था, जिसके चलते रोड संकरी हो गई थी। दुकान वालों ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी दुकानें आगे बढ़ा ली थी, जिससे वहां पर फुटपाथ खत्म ही हो गया था और रोड भी संकरी हो गई थी, जिसके चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। आज यातायात पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान सभी दुकानदारों को पहले आगाह कर दिया था, जिन्होंने अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखी थी। आज वहीं उन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई जो हट नहीं रहे थे। करीबन सर 10-10 फीट 12-12 फीट आगे हैं और 2-2, 4-4 फीट दुकानों की सटर आगे हैं। सबसे तीन जैसे जो पिलर थे पाइप सब कटवा दिए और जिन लोगों ने डबल शटर वो तो बड़ा मुद्दा था कि किस दुकानों में डबल शटर लगा दिया, हम शटरों को भी कटवा दिया है। आप अखिल भारतीय मारवाड़ी महिलाओं के समूह द्वारा 60 मीटर की चुनरी लेकर मां बुईसफुजी को चढ़ाई गई। सभी महिलाएं आज सदर बाजार में इकट्ठा होकर 60 मीटर लंबी चुनरी अपने हाथों में लेकर बुईसफुजी तक पैदल गईं। वहां इस चुनरी यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन
कितने फिट की ये मीटर है, करीब 7 मीटर है चुंगी हमारी, और जगह जगह स्वागत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रायशुमारी की मीटिंग आज एक निजी होटल में संपन्न की गई, जहां पर सभी संभावित उम्मीदवारों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। बता दें कि एक निजी होटल में आज सुबह से ही चहल पहल का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी की रायशुमारी इसी होटल में होनी थी। वहीं रायशुमारी में पहुंचे उमा शंकर गुप्ता, जब रायशुमारी के बारे में उनसे जानना चाहा तो मंत्री जी ने कहा कि इस बार गुना की चारों विधानसभाओं की सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेंगी। वहीं मंत्री जी ने कहा कि इस बार इतिहास बदल कर दिखाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि हर बार रायशुमारी से ही उम्मीदवार छांटे जाते हैं, तो इस पर बाबा बोले कि इसके अलावा भी और भी कई मापदंड होते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। कि आपकी पार्टी के झंडे की गाड़ी में मैं बैठा होता आपके साथ और मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता देखता। क्या स्ट्रेटजी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस बार ये भ्रम तोड़ दिया जाएगा। गुना जिले की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो वर्तमान में माहौल है उसके असर आपको लगता है कि रायशुमारी जीतती है? रायशुमारी हर बार पार्टी करती है। उसके हिसाब से टिकट मिलते हैं? टिकट में सब तरह की रायशुमारी मिला के उसी के हिसाब से टिकट मिलता है। 40,000 से ज्यादा वोटों का रावण में बांटना, एक जमाना था जब भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के पास कुछ नहीं था, और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार वाली पार्टी इन आंकड़ों को पाट कर ही बनी है। आदर्श आचार संहिता के चलते कलेक्टर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने 48 जगह पर छापामारी कार्रवाई की। इसके साथ ही 11 प्रकरण भी पंजीबद्ध किए। वहीं आबकारी अधिकारी के अनुसार तकरीबन 11,000 रुपए की देसी विदेशी और कच्ची शराब जब्त की गई है। माननीय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार विशेष अभियान के तहत विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय श्री विजय दत्ता साहब के निर्देशन में आबकारी विभाग के विशेष दस्ते द्वारा करीब पिछले 4 दिनों में 48 स्थानों पर दबिश दी गई और उसमें करीब 11 प्रकरण कायम किए गए एवं 33 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 85 पाव देशी मदिरा एवं 18 पाव विदेशी मदिरा जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 11,000 रुपये है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा एवं स्टाफ के द्वारा लाइसेंसी की दुकानों का भी विधिवत निरीक्षण किया जाकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है एवं इसमें जैन ढाबा आरोन, रंभाबाई खेरकेड़ी, मोहालपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई और पेट्रोल कायम किया गया। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रुठियाई से 4 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई, जो कि बीसभुजा मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। इस चुनरी यात्रा को लेकर राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंचे। इस मौके पर विधायक नंगे पैर पैदल चलकर बीसभुजी देवी के दरबार में पहुंचे। तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी तय करके विधायक के नेतृत्व में राधोगढ़ निवासी 4 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा में सम्मिलित हुए। अरे गोपाल, आ
का नाम नहीं ले रहा दलवी नगर में लगे दरवाजों का मामला। विगत दिनों स्कूली छात्र छात्राएं कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे थे कि इन गेटों की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दलवी नगर निवासियों का कहना है कि ये एक निजी कॉलोनी है और हमने गेट अपनी सुरक्षा के लिए लगवाए हैं। वहीं गेटों को निकालने के लिए आज शासकीय अमला पहुंचा, लेकिन मोहल्ले वासियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। दलवी कॉलोनी वालों का कहना है कि गेट लगने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस जो लोग बदमाश हैं उन्हें ही सिर्फ दिक्कत हो रही है। क्या है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप रात में भी आओगे तो आराम कर सकते हो, कोई रोक टोक बोला है सर कहीं से भी आपको भी आगे से घूमने वाले मास हैं कोई लोग आपत्ति तो नहीं रात में तो गेट बंद कर दिया रात के लिए गार्ड है सर गार्ड है ये तो ये गेट बंद कर दिया गार्ड है दोनों पक्षों ने आवेदन दिए हैं अपनी अपनी बात की है कुछ लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से गेट लगाने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए तो अब दस्तावेज देखते हैं दोनों लोगों को पक्षों को बुला करके और बात की जाए। मसूरिया निवासी महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने लिए घरों की मांग की। महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में किसी के पास कोई भी कुटीर नहीं मिले हैं, जबकि वो लोग तो बिना छत के ही जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जो समझता है कि हमें रहने को भी जगह नहीं है, पत्ते कहाँ चढ़ाती हैं, पत्ते चढ़ा लेती हैं, हजार हजार की पन्नी चढ़ा देती हैं, वो फट जाती है फिर चढ़ाती हैं, और पानी की परेशानी, मजदूरी रात दिन कर रहा है सर, जब जाके हमें खाने को मिल रहा हूँ। आप कितने लोगों का घर है आप लोगों के यहाँ पे? हमारी 40 घर की बसी का है। एक भी पक्का घर नहीं है? एक भी नहीं है पक्का घर मसूरिया में, एक भी नहीं है, कोई विकास नहीं, पूरे कच्चे घर हैं, पूरे कच्चे हैं, पत्ते चढ़ रहे कच्चे भी नहीं है। तो बाबर किस किस को कुटीर मिली है? अभी तो कपा तो 4-5 आ गए, रोड सहारे बन रहे हैं और 40 घर तो कोई पत्ते ही चढ़ रहे। विद्युत मंडल सरकार की सौभाग्य योजना को पलीता लगाने में लगा हुआ है। एक ओर जहां प्रदेश सरकार सौभाग्य योजना के अंतर्गत गांव-गांव बिजली पहुंचाने का दावा करते नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सरकार की सौभाग्य योजना को पलीता लगाने से नहीं चूक रहा। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे फ्री विद्युत कनेक्शन रिश्वत लेकर लगाए जा रहे हैं। ताजा मामला जनपद चांचौड़ा के प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना में चयनित एक बिजनीपुरा गांव में प्रकाश में आया है। इस ग्राम के संपूर्ण विद्युतीकरण की रिपोर्ट बिजली विभाग ने प्रशासन को भेजकर इतिश्री कर ली, जबकि इस ग्राम के गोया रोड पर रहने वाले एक दर्जन से ऊपर बीपीएल परिवारों को घरों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। इन परिवार वालों का कहना है कि हमसे बिजली कनेक्शन देने के नाम पर बीनागंज विद्युत मंडल का एक स्थायी कर्मचारी 3 माह पूर्व 1,000 रुपए प्रति परिवार जेई को देने के लिए ले गया था। जेई पर रुपए पहुंचने पर भी केवल 8 खंभे गाड़ कर छोड़ दिए गए, जबकि 4 खंभे और गड़ने थे। ग्रामवासियों ने डीजीआना न्यूज को बताया कि हमसे 3,000 रुपए प्रति कनेक्शन और मांगे जा रहे हैं। इसकी शिकायत हमने हेल्पलाइन 181 व मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत मंडल भोपाल से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत करने वालों में गोया रोड बिजनीपुरा निवासी पुरुषोत्तम शाक्यवाद, पिंकी, जगदीश विश्वकर्मा, मांगीलाल, दीनदयाल, मोतीलाल, विनोद शाक, रूप सिंह, बाबूलाल, रामकुमार आदि हैं। समस्या कुछ नहीं है, लाइट की समस्या है यहाँ। क्या लाइट नहीं है आपके यहाँ? कहीं नहीं है लाइट, जंगल में पड़े हैं, यहाँ लाइट मार की व्यवस्था है नहीं है।
और बार बार बिजली ऑफिस में जा रहे हैं, पैसा वैसा ले ले ना कोई आजकल या मैं यूँ के बीज ने पूरा नरेंद्र मोदी ने गोद ले रखा ना, और बड़े बड़े आदमी ने गोद ले रखा ना, गरीबों ने कौन गोद ले वो? तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी बिजली की? अभी नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको अप्लाई करे हुए वहाँ पर? कम से कम तीन चार महीने करीबन हो गए, बारिश के पहले ही दे रखी है वो। तो आप यहाँ गोया रोड पे रहते हो? ये मकान आपका ही है? अच्छा अच्छा, तो आपको क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर लाइट की, लाइट का क्या अप्लाई किया था तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं? अभी खम्मा कर जाएंगे, लाइट आ जाएगी। समस्या है, लाइट नहीं है। लाइट के लिए कहा आपने? रह भी रहे हैं तो सुन कहाँ रहे हैं अभी अपने? लाइट खम्मे गाड़ के रह गए, सब परेशान है लाइट बिना, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कर देंगे, कोई आता है नहीं करने के लिए। तो कितना टाइम हो गया आपको अप्लाई करे हुए? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, दो ढाई महीने करीब होगा। क्यों ये कौन सी जगह है आपका मकान? ये गोया रोड। कहाँ, कौन से गांव में आता है? पंजाब बीजनपुरा में, ग्राम बीजनपुरा। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। मरीजों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। जिले के आरोन तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बता दें कि स्लिप प्लान योजना 2018 के अंतर्गत मतदाता बुजुर्ग एवं दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में जो मरीज दिव्यांग एवं बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 लोगों के लगभग खबर लेके जाने तक परीक्षण हो चुका था। यह सब कार्यक्रम नगर पंचायत आरोन के सहयोग से संपन्न हुआ। इस मौके पर BMO डॉक्टर के श्रीवास्तव, जिगर खान, गोपाल सोनी आदि समस्त हॉस्पिटल का स्टाफ उपस्थित रहा। मुझे नाम और जो बुजुर्ग है उन्हें ले आओ, ये अंदर ले आओ, बुजुर्ग हो बुजुर्गों का लाभ ही ले आओ। ये चुनाव आयोग द्वारा एक कैलेंडर स्वीप प्रोग्राम के तहत एक क्रिया है जिसके अंतर्गत दिव्यांग एवं बुजुर्ग जो ही मतदाता हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिससे क्या है वो बीमारी की वजह से मतदान देने से वंचित नहीं हो, स्वस्थ रखा जाए उनको, इसमें मतदान के दिन मतदान करें। इसमें कितने लोगों का आपने परीक्षण किया हुआ आज? अभी आज हमने करीब 40 लोगों का परीक्षण किया है जारी। तो और ये परीक्षण जारी रहेगा यथावत, अभी 5 बजे तक जारी रहेगा ये। तो ऐसा लगा आपको कुछ ऐसे हैं जिनका परीक्षण होना जरूरी है? हाँ नहीं, ऐसे कुछ लोग आए हैं जिनका परीक्षण होना जरूरी था। इसमें क्या है कि प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो ब्लॉक जो प्रशासन है और नगर पालिका के द्वारा सहयोग से लोगों को सबको लाया गया है जांच के लिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर ही आ रहे हैं कि ऐसी भी सुविधा है कि हम नहीं तक पहुँच पाए ग्रामीण अंचलों तक? क्या है आज PSC परवाड़ी आठ पे भी रखा गया है, आज CSC आरोन पर रखा गया है, कल PSC देवरी पर रखा जाएगा। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। गली गली में सजे माता रानी के दरबार, उमड़ी भक्तों की भीड़। आरोन नगर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर मां के भक्तों द्वारा गली गली में झांकियों लगाई गई हैं, जहां देर रात तक माता रानी की सुंदर झांकियों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूजा अर्चना कर माँ जगदम्बे के दरबार में आरती और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। नगर के बस स्टैंड परिसर में माता रानी के सुंदर दरबार माँ भक्तों के द्वारा सजाया गया है। और तो और दूसरी ओर सनातन धर्म मंडल धर्मशाला परिसर में लगातार सजे आ रहे हैं माता रानी के दरबार। माता रानी का दरबार मां शक्ति झांकी समिति द्वारा इस वर्ष भी बड़ा ही प्यारा दरबार माता रानी का सजाया गया है। इसी क्रम में गुलाबगंज चौराहे पर माता वैष्णो देवी का आकर्षक सुंदर दरबार सजाया गया है। आरोन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी माँ के दरबार की झांकियाँ बड़े ही सुंदर ढंग से सजाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में माँ की आरती व प्रसाद वितरण किया जाता है और दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह स्वागत में नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा पानी की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही पुलिस प्रशासन की काफी सक्रियता भी देखने को मिली।
साइकिल वाले हम बातचीत न करें झांकी के आगे। काना कुशवा, काना कुशवा और राधिका कुशवा दोनों भाई बहनों की ओर से माता रानी के स्त्री चरणों में। हारों से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। माँ अम्बे की सेवा के साथ बच्चों को मिल रहा अभिनय करने का मंच। धरनावदा में कुशवा झांकी समिति द्वारा लगाई जा रही मनमोहक झांकियां। कुशवा झांकी समिति साथ सज्जा के साथ साथ अभिनय करने का भी मंच प्रदान करती है। माँ अम्बे की सेवा के साथ साथ बच्चों व युवाओं के द्वारा इस वर्ष भी झांकी लगाई जा रही है। इसमें अभी तक कालनेमी का सीन, भैरव पूजन, काली अवतार, धनुष यज्ञ और आज अशोक वाटिका बड़े ही सुंदर दृश्य घनश्याम, प्रद्युम्न, प्रदीप, मनोज मोनू व अन्य साथियों के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसको देखने के लिए खिरिया, गोंदलपुर, पटना, चांदखेड़ी, खेजड़ा, भुलाए, बमूरी आदि गांवों से धर्म प्रेमी बंधु आते हैं और बच्चों की प्रशंसा करते नहीं थकते। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।